आह कुछ कमेंट्स देखकर अपने चैनल पर वीडियो पर मन अंतरात्मा पूरी तरह से द्रवित हो गया। मन काफी दुखी हुआ उनका कमेंट देखकर। ऐसे लगा कि क्या हो गया ये, ऐसे जो स्टूडेंट जो है इस तरह से कमेंट कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए ये कमेंट्स, देखिए ये रोते हुए कमेंट, हाथ जोड़ते हुए कमेंट, सर प्लीज आप 13 चैप्टर करा दीजिए। अरे आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट बोलना है कि सर आप 13 चैप्टर कराइए, मैं जरूर कराऊंगा, मैं तो बोला ही था आपको कि आप कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं। फिर इसमें आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, हमेशा होठों पे मुस्कुरान होना चाहिए और हमेशा हाथ जोड़ के खड़े नहीं रहना है। हम कोई आप नेता नहीं बनने जा रहे हैं कि हाथ जोड़ के भैया वोट दे दो, आप बोलो सर कर दो और पूरे मजबूती के साथ आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। देखिए मैं आपका प्रिपरेशन कैसे कराता हूं क्लास 10 मैथ का। आपने रिक्वेस्ट किया और इसी रिक्वेस्ट पे मैं आपका लेकर आ चुका हूं चैप्टर नंबर 13 आपके बुक का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, परिवर्तन यानी वेरिएशन। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है और हिंदी में परिवर्तन कहा जाता है। इस वीडियो में मैं वेरिएशन को ऐसे समझा दूंगा कि आप चुटकी में, ऐसे चुटकी में सवाल सोल्व करेंगे सारा, बसरते आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। वेरिएशन आपका हो गया और आपको पता है कि इस बार वेरिएशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस किया है। गवर्नमेंट तो आपके साथ है, रोने वाली क्या बात है, दुखी होने वाली क्या बात है, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बसरते आप मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, देखिए मैं आपका मार्क्स कैसे इंक्रीज कराता हूं मैथ में, आपको बिलीव भी नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट आपका सिलेबस 30-35% कम कर दिया है, उसमें वेरिएशन है, चैप्टर में वेरिएशन आपको करना है, सिलेबस में है, काफी अहम रोल प्ले करने वाला है वेरिएशन। पिछले वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता था क्योंकि उसके साथ आपका शॉर्ट्स एक कंबाइंड आ जाता था, एक शॉर्ट्स का क्वेश्चन एक वेरिएशन का, जो उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था। लेकिन इस बार आपका सिलेबस कम होने की वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि वेरिएशन एक महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्क्स के हिसाब से आपके एग्जाम के लिए। तो आज मैं वेरिएशन कराऊंगा। ओ कुछ बच्चे नाराज है, दुखी है और सोच रहे कि सर हम लोग का नाम कब लेंगे। अरे भैया नाम लूंगा आपका, जरूर मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा कि जो मेरे पिछली वीडियो के पहले थी और सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया उनका नाम मैं बताता हूं। हालांकि लड़की है ये दीपाली, दीपाली अभी कंटिन्यू कुछ वीडियो से बनी हुई है टॉप 3 में और 2 नंबर पे रोहित महतो रहे और 3 नंबर पे आदित्य रहा, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो को यानी हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक मजेदार पहेली पूछता हूं और आप उसका सही जवाब देते हैं तो जो टॉप 3 में आता है मैं उसका नाम अनाउंस करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आज की पहेली समझिए, काफी मजेदार होने वाली है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, अपने दिमाग का ताला जो है खोल दीजिए, अगर बंद है तो खोल दीजिए ताकि आप जल्द से जल्द कमेंट कर पाएंगे। आज की पहेली ध्यान दीजिए, 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, यानी 3 अक्षर के ऐसे नाम को बताना है जिसको उल्टा या सीधा जैसे भी लिखो दोनों का मतलब क्या आएगा, सेम आएगा। आपको जल्द से जल्द कमेंट करके बताना है इस पहेली का सही जवाब क्या है और आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, आज से आपको वेरिएशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ये वेरिएशन आपके बुक का एक इजी चैप्टरों में मैं इसे काउंट करता हूं। ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे सोल्व कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन को कुछ प्रकार में डिवाइड किया है। वेरिएशन का जो पहला प्रकार हो रहा है उसको बोला जाता है सरल परिवर्तन यानी डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम समझते हैं कि सरल परिवर्तन होता क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है क्या रियल में, किस तरह के इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं और डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहा जाता है, सरल परिवर्तन किसे कहा जाता है, आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा, मैं सिर्फ बताना शुरू कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 चल राशि, 2 चल
राशि मैंने ले लिया, एक महीने ले लिया एक्स ले लिया, एक महीने वाई ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं एबीसीडी जो भी आपको लेना है। यदि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, जैसे मैंने एक्स यहां पर लिखा और यहां पे वाई लिखा, एक्स के लिए मैंने लिखा दो, वाई के लिए मैंने लिखा तीन, ओके, फिर मैंने एक्स के लिए लिखा पांच और इसके लिए मैंने लिख दिया सात, इसके लिए फिर मैंने लिखा एट और इसके लिए मैंने लिख दिया नाइन, फिर मैंने इसके लिए लिखा थ्री तो इसके लिए मैंने क्या लिखा टू लिख दिया, ठीक है। यहां पे अगर आप देख रहे हैं इसे ध्यान से इसको समझिए कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, एक्स का मान अगर टू है और वाई का मान थ्री है, टू से ये क्या हो गया है फाइव हो गया है, यानी बढ़ गया है, क्या हुआ है बढ़ गया है, तो ये भी क्या हो गया थ्री से सेवन हो गया, यानी ये भी क्या हो गया है इससे बढ़ गया। अब यहां पे देखिए फाइव से ये क्या हो गया आपका एट हो गया, फाइव से फिर बढ़ के एट हो गया, तो ये भी सेवन से क्या हो गया बढ़ के नाइन हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि जब ये बढ़ रहा है इससे ये बढ़ गया और फिर इससे ये बढ़ गया तो इससे ये बढ़ गया और इससे क्या हुआ ये बढ़ गया, ओके आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये एट से क्या हो गया थ्री हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये टू हो गया, यानी जब ये घट गया इससे क्या हुआ ये घटा तो ये भी क्या हुआ घट गया, ठीक है। तो जो इस तरह के संबंध होते हैं दो चल राशि के बीच तो हम उसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी उसको बोला जाता है सरल परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कलम ले लिया, कलम यानी पेन आपने लिया, ठीक है, और एक आपने मूल्य यानी रुपया, ओके, यहां पर एक पांच छह तीस और आपका सात पैंतीस दो दस तीन पंद्रह, आप देख रहे हैं यहां पर कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन कैसे है। एक पेन का दाम अगर मैं पांच ले लेता हूं और एक से ये क्या हो गया छह हो गया, यानी छह पेन हो गया, तो देखिए इसका भी दाम क्या बढ़ गया इसका भी बढ़ गया, ये भी कम से क्या हो गया ज्यादा हो गया, फिर ये देखिए फिर ये ज्यादा हो गया छह से सात हो गया तो ये भी क्या हो गया बढ़ गया। इसके अलावा ये देखिए ये सात से कम हो गया यानी दो हो गया तो ये घट गया, देखिए ये ज्यादा था तो यहां पर क्या हो गया इससे कम हो गया, फिर ये देखिए ये इससे बढ़ गया थोड़ा सा तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो इस तरह के जब आपके सवाल में दिखे दोनों अगर बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं घटते हैं तो घटते हैं, तो इस तरह के हम परिवर्तन को क्या कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन होंगे कि जब एक बढ़ता है तो नीचे वाला भी बढ़ जाता है और जब एक घटता है तो वो भी घट जाता है, यानी जो दोनों चल राशि है अगर आपस में बढ़ रहा है तो बढ़ेगा घट रहा है तो घटेगा, इसे हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। इसको लिखा कैसे जाता है आपके बुक में लिखा कैसे होगा, अगर मैं एक्स और वाई को ले लेता हूं तो इसमें डायरेक्ट अगर वेरिएशन है तो हम लिखेंगे एक्स, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हो गया वाई, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको डायरेक्टली इसको, यानी इसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल एन ए लिख दिया नीचे में लिख दिया, ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके याद रहेगा। तो आप इसे समझ गए होंगे तो आपको क्या क्या अपने दिमाग में रखना है कि अगर एक बढ़ेगा दूसरा भी उसके साथ बढ़ रहा है, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी उसके साथ घट रहा है, तो इस तरह के जो आपस में संबंध होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये उसका साइन होता है ये इसका चिन्ह होता है, आप इसे याद रखिएगा, बुक में आपको यही चिन्ह दिखेगा ज्यादातर, यही चिन्ह ही है आपको समझ लेना अच्छे से दिमाग में याद रखना। अब चलिए चलते हैं इसके इनवर्स वेरिएशन है, आप जो दो नंबर हो रहा है विलोम परिवर्तन और इसको हम लोग इंग्लिश में इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, ये बिल्कुल ही डायरेक्टली वेरिएशन से अलग होता है। कैसे अलग होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, जब एक बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था, जब एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, जब दूसरा घटेगा तो एक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जैसे देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए लिया और यहां पे क्या ले लिया मैंने बी, यहां पर मैंने एक लिखा यहां पे चलिए चार लिखा कोई बात नहीं,
जब मैं इसको यहां पे लिख दिया मैंने पांच, तो ये क्या हो गया दो। जब मैंने यहां पे सात लिखा तो ये हो गया आपका, ये जब मैंने सात बड़ा करके लिखा हूं तो ये यहां से घट के एक आ गया, ठीक है। जब मैंने इसको तीन लिखा तो ये क्या हो गया आठ हो गया। यहां पर आप देखिए ध्यान से कि जब मैंने एक लिखा हूं तो ये चार है। चलिए यहां तक तो सही है, समझ में आ रहा है जो भी है। जैसे दो नंबर पे आया यानी एक से ये पांच हो गया यानी ये बढ़ गया, तो ये क्या हो गया दो से चार हो गया, यानी चार से सॉरी चार से ये दो होगा यानी ये घट गया। क्या हुआ ये घट गया, एक से पांच ये बढ़ा है यहां पर और ये चार से दो यानी घट गया। फिर ये यहां पर पांच से सात हो गया यानी ये बढ़ गया। क्या हुआ ये बढ़ गया, तो ये देख रहे हैं कि फिर ये दो से एक और इससे क्या हो गया ये घट गया। फिर जब ये सात से तीन हुआ यानी यहां से ये घट गया है, तो ये एक से क्या हो गया आठ हो गया यानी ये बढ़ गया। यानी आप देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं, इस तरह के संबंध होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, मैं लिख सकता हूं ए, और देखिए ये चिन्ह रहेगा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, इसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ये रहेगा और इसको हम लिख देंगे वन बाई बी लिख देंगे। इनवर्स माने उल्टा, तो अगर ये डायरेक्ट रहता तो ए प्रोपोर्शनल बी होता, तो ये इनवर्स वेरिएशन है, इसमें करेंगे ऐसे लिख देंगे वन बाई टू, इसको हम बोलेंगे ये वेरिएशन रहेगा ही इन वर्स वेरिएशन, इन वर्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, ओके। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये वाला इन वर्स प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो आप इसे समझे होंगे कि जो विलोम परिवर्तन या इनवर्स वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ये अक्सर आदमी और दिन में होता है, जैसे मान लीजिए चार आदमी ने किया किसी काम को पांच दिन में, यानी चार आदमी पांच दिन में किया, अब यह आदमी क्या बढ़ गया चार से यह आठ हो गया, तो जाहिर सी बात है दिन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब हम उसी काम को करने के लिए आठ आदमी लगा दिए तो जाहिर सी बात है कि दिन जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आदमी दिन और भी बहुत जगह पे होता है, हम जैसे आपके सवाल में बुक के आपके सवाल में जो प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करते दौरान ये सब आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन इनवर्स प्रोपोर्शनल। होमवर्क रहा है आपको ये कमेंट करके बताना है कि किसमें तरह का जो परिवर्तन हो रहा है आपको बताना है, ओके। जैसे एक नंबर है सी बाई डी, ये तीन है तो ये दो है, ये चार है तो पांच है, ये दो है तो तीन है, ये दस है तो आपका बीस है, और ये दो नंबर पी बाई क्यू मैंने लिखा तीन है तो छह है, आठ है तो चार है, सात है तो आठ है और चार है तो दस है। इसमें किस तरह का वेरिएशन है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो वेरिएशन का भी बेसिक कंसेप्ट में मैं इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा, मैं आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट तैयार कर लीजिए, मैं ठीक बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आपके चैप्टर से रिलेटेड लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते हुए रहिए, टेंशन मत लीजिए।